हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो गाइज, आज मुझे भी पता है कि भाई वीडियो थोड़ी सी लेट है, बट कुछ काम अर्जेंट सा हो गया था चैनल के साथ में भी, तो थोड़ा सा इसी वजह से लेट हूँ, तो उसके लिए सॉरी भाई लोग। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। आज फिर खेलने वाले हैं हम जरोरा से और मचाने वाले हैं तबाही। और जैसे कि पिछली कुछ वीडियोज भी मैंने डाली हुई हैं, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि कौन सा पोकेमोन्स के साथ जो है आपको गेम प्ले देखना ज़्यादा बढ़िया है, या आपका फेवरेट कौन सा है। वैसे मैं जो है जरोरा से खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ या विनोसोर से, बट फिर भी ट्राई करते हैं। और तुम्हें सभी को पता ही होगा कि भाई रैंडम में पुश करना ना बहुत मुश्किल काम हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मैच खेलने पड़ रहे, क्योंकि भाई कई बार ना रैंडम बंदे थोड़े से ज़्यादा ही खतरनाक आ जाते हैं मुझसे भी। समझ रहे हो हम तो नूब हैं ही, और फिर तुम्हें पता ही है भाई क्या ही सीन चल रहा है। तो फिलहाल आज का मैच जो है काफ़ी कमाल का होने वाला है। और भाई देखो, जैसे पीछे नीचे की तरफ मेरा बंदा मार रहा था तो मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसका बंदा चुराता तो भाई थोड़ा सा वो नाराज होता था हो जाता, और साथ में शायद से मुझे जो है वो हेल्प भी ना करता। शाबाश बेटा। तो रैंडम में थोड़ी सी बनानी पड़ती है, और मैं चाहूँगा कि भाई मतलब रैंडम हो या टीम हो, आप अपने टीममेट्स की हेल्प करें, क्योंकि अगर साथ में आप बफ करेंगे ना और दोनों टीममेट्स जो हैं आपका अच्छा लेवल कर पाएंगे तो काफ़ी कमाल का हो। और ये देखो भाई, पिकाचू को कैसे मारता हूँ मैं, ये देखो भाई। तो गाइज मैंने मौका देखा और उसको जो है हमने धो दिया। तो यही स्ट्रेटेजी जो होती है ना भाई, टीममेट्स के साथ ज़्यादा परफेक्ट बैठती है, बट रैंडम में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो फिलहाल गाइज मैं जो है थोड़ा सा अभी लेवल अप करने के लिए लगा हुआ हूँ, और मैंने 20 तो ले ली। और इसके नाक के मुँह, अरे 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 हो गया भाई, मैंने जो है रुक जाओ गोल ग्रेटर लगा कर जो है इसके मुंह पे गोल मारा ना भाई, कमाल ही हो गया। तो फिलहाल जो है मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि और बफ करूँ या अपने टीममेट्स की हेल्प करूँ। यहाँ पे गाइस भाई देख रहे हो मतलब कैसे कैसे चुरा रहे हैं बंदे भाई, देख रहे हो इनकी ऐसी कम तैसी। रुक जाओ, थोड़ा सा लेवल बढ़ने दो, फिर जो है इनकी हालत खस्ता करते हैं। तो जल्दी गाइस आपको एक और नया गेम शायद से आपको देखने के लिए मिल जाए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा और एंटरटेन कर पाऊँ किसी और चीज़ में। और कुछ बच्चों कह रहा हूँ भाई, कुछ भाई लोग के जो है कमेंट आते रहते हैं कि भाई ये वाला गेम खेलो ये वाला, और कुछ के हॉरर गेम के बारे में भी आते हैं। और भाई एक भाई तो थे, उन्होंने बैंडेड द इंक मशीन के लिए मेरे से कहा था, बल्कि मेरे को भी खेलना चाहिए था वो गेम और मुझे भी पसंद है, बट यार अभी थोड़ा सा कुछ ऐसा ही सीन है कि मैं जो है उसकी रिकॉर्ड नहीं कर पाता। और उसकी रिकॉर्डिंग में तुम्हें पता ही है भाई, खेलने के लिए थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ता है, तभी जा करके जो है आपको वीडियो भी मुँह में जाएगा। तो इसी वजह से मैं जो नहीं खेल पाता उस चीज़ को, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कोई अच्छा गेम लेकर के आऊँ, ताकि आपको भी खेलने में मज़ा आए। और कुछ मेरे भाई जो लो डिवाइस के हैं, मतलब जिनके पास लो डिवाइस है, ऐसा नहीं है कि भाई सभी एक जैसे हैं, मेरे पास भी लो ही है, मेरी ज़्यादा कोई हैवी नहीं है ये, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा जिनके पास लो है, तो मैं उनके लिए भी जो है कोशिश करूँगा कि कोई एक अच्छा गेम उन्हें दे पाऊँ। क्योंकि स्वर्डिगो के बाद यार बहुत ही कम, मैं तो सोच रहा था कि भाई स्वर्डिगो कंपनी जिस तरीके से गेम की लोगों ने डिमांड की थी भाई चांस बनेगा, बट उसके बाद जो है ग्रीम वेलोर के बाद उसने मौका नहीं दिया। और यहाँ पे गाइस देखो मेरी गलती क्या रही, आपने देख ही लिया होगा, मैं वापस आने की कोशिश कर रहा था कि हील करके जाऊँगा, इसी समय पर जो है पिकाचू ने मौका देख के मार दिया, और उनका पिकाचू काफ़ी बढ़िया खेल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस हमारा बंदा जो है नीचे बुला रहा है, और भाई ग्रेनिंजा नीचे पहुँच चुका है, तो अब जो है हम होल्ड कर लेते हैं ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, और इनको जो है हम यहाँ पर निपटाते हैं। ओ भाई वो ले गया, तो मैं एक गोल मार देता हूँ। और भाई क्रिस्टल को जो है मारना थोड़ा सा कठिन काम है, तो ये देख रहे हो भाई क्रिस्टल मतलब मौका नहीं छोड़ रहा, और मैं थोड़ी सी हेल्थ करूंगा पूरी, और फिर इसकी जो ऐसी तैसी करेंगे। तो भाई यहाँ पे पिकाचू निकटने की कोशिश कर रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहीं पे उलझा लूँ, अरे नहीं बच गया वो, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस हमारे पास जो है वाइट चार्ज हमारा खुल चुका है, और रोटम भी है साथ में, तो ट्राई करेंगे लेने की। पहले थोड़ा सा ये देखो भाई, इसके अलग ही ओ भाई कम गोल थे लेकिन करके चला गया, लेकिन इसको मैं सोच रहा हूँ कि जाने ना ही हूँ। और देखो निकल गया भाई 20 के पास निकल गया, बट वहाँ पे जो है टाइम फ्लेम है तो जो है इजीली मार देगा। और ये देखो भाई यहाँ पे उन्होंने 20 भी ले ली। तो लेवल गाइस अब थोड़ा सा जो है अपग्रेड हो चुका है, तो अब मौका तो मैं जो है इनके भी चुरा लूँ थोड़े से, ताकि थोड़ा सा लेवल ओवर अप हो जाए। और ऊपर गाइस थोड़ी सी फाइट हो रही है, आप देख ही रहे होंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि क्या ही मारूँ तो रोटम, क्योंकि मेरे बंदे वहाँ लगे हुए हैं। मैं मौका देख रहा था कि यहाँ से निकल पाऊँ, और भाई पिकाचू लो लेवल पर था और मैंने छोड़ दिया इसको। अब गाइस यहाँ पे बचा है क्रिस्टल, और हमारा जो है रोटम आ चुका है, तो यहाँ पे हमने इसको तोड़ दिया है गोल को,
और इसको लेकर के मैं इसको देखो भाई कैसे मारूंगा। ये गया गया भाई गया। चलो तो गाइस यहाँ पे जो है चला गया चली जाड़, लेकिन हमारा जो है किल निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, टीम में जो है काम बनना चाहिए। और मैं इनके बीच में फंस गया, निकलना पड़ेगा। ओके तो गाइस यहाँ पे जो है निकल चुके हैं हम। और क्रिस्टल भाई देख रहे हो भाई, दीवार है भाई ये, इसकी ऐसी कम तैसी। चलो ये गया, लुकारियों ने भाई यहाँ पे भी मौका मार दिया। ग्रेनिंजा सॉरी, ओके तो फिलहाल यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई इधर की साइड में। और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी फार्म और कर लूँ ताकि थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हो जाए। तो यहाँ पे गाइस आ चुकी हैं 20, और देख रहे हो नीचे टर्न फ्लैम, और भाई क्रिस्टल इनके पीछे लगा हुआ है, पर मैं जो है 20 लेकर के जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है भाई क्रिस्टल की डिफेंडर भाई सबसे बड़ी बात यही है कि आप अगर किसी के साथ फाइट में भी हो ना डिफेंडर वहाँ, तो आप कोशिश करो अटैकर पे फाइट कर लेने की, क्योंकि डिफेंडर को रहना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा स्लो रहता है। लेकिन इसको हम जो है अब लेकर के चले जाएंगे टर्न फ्लेम हमारे पास है। ये भी देख लो भाई टर्न फ्लेम ने कैसे मेरे से निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, टीम में है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो गाइस यहाँ पे जो है चेजार ने यूनाइट मूव मार लिया है, और मैं देख मरने के काम इसके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि इसने जो है यूनाइट मूव मारी तो पावरफुल है, तो मुझे उससे थोड़ा सा अलग रहना चाहिए। लेकिन मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि इससे भिड़ने की, लेकिन यहाँ पे गाइस मैंने, अरे भाई मेरे पास यूनाइट मूव थी, मैंने यूनाइट मूव मारी पर यूनाइट मूव का बटन नहीं दबा भाई, क्या ही तो सीन है भाई, स्क्रीन ख़राब हो गई है मेरी। अगर पहले यूनाइट लग जाती ना और उसके बाद जो है वाइट चार्ज लग जाता, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि चेजार जो है मैं ले जाता। और उसी के चक्कर में गाइस यहाँ पे जो है हम बन चुके हैं। बट ओवरऑल मैच जो है अभी ठीक ठाक जा रहा है। और ये देखो भाई इनका चेजार जो है रोटम पर लगा हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम जल्दी से पहुँचते हैं। तो गाइस इन्होंने जोन भी तोड़ दिया हमारा, और भाई अब बैकअप तो लेना पड़ेगा। और देखो भाई क्रिस्टल गाइस यहाँ पे जो है आ रहा है, बट मैं इसकी थोड़ी सी लो एचपी कर दूँ, ताकि भाई 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 पिकाचू भाई भाई क्या हम बेस पे पहुँच पाएंगे। नहीं नहीं अरे भाई, तो भाई दो बार मेरे को जो है पिकाचू ने मार दिया, क्योंकि इनका पिकाचू काफ़ी बढ़िया खेल रहा है मौके पर भाई, क्या ही तो उसकी किस्मत है, क्योंकि मौके पर जो है उसकी बॉल्स जा रही हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं पिकाचू फंस चुका है। अच्छा, और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि इस किसको ना जाने दूं। नहीं भाई नहीं नहीं पिकाचू, आई एम रियली सॉरी ब्रो ब्रो ब्रो। अरे यार मेरी हेल्थ, अरे भाई एक और हिट मार दिया उसने, एक वाइल्ड लग जाए, ओ भाई एक, अरे नहीं देख रहे हो गाइस भाई, मतलब पिकाचू की क्या ही तो आज किस्मत है। जैसे ही मैंने इस पर चार्ज मारने की कोशिश की, उसने जो है मेरे से पहले ही कर दिया काम। तो यही होती है भाई एक अच्छे प्लेयर की निशानी, और काफ़ी अच्छे खेल रहा है भाई। लेकिन चलो फिर आप, कोई दिक्कत नहीं, अभी ओवरऑल जो है मैच काफ़ी अच्छे जा रहा है। और देखो गाइस क्रिस्टल और जैकलो आज का यार मैं मारूंगा यूनाइट यहाँ पे। मैं चाहूँगा कि क्रिस्टल को जो है पहली ट्रेलिन पहुँचा दूँ, ताकि इसका टाइमर लग जाए। और गया, जाओगे बेटा जाओगे। तो गाइस क्रिस्टल का जो है टाइमर लग चुका है, और अब हम चलते हैं जैपडोस पे, क्योंकि सीधा मैंने जो है सेंट्रल एरिया में अपने दोस्तों को बुला लिया है रैंडम से। बट जो है यहाँ पे लुकारियो भी आ गया है, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे और बाद में अटैक करेंगे, क्योंकि मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको डाउन कर ले जैपडोस को, ताकि हमें थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़े। और किसी के पास यूनाइट, अरे भाई अरे 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 वीनस और भाई ने कर दिया काम, बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी लो हेल्थ इनकी जाने दो। और इनको लेकर के जाएंगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि एक दो को ओ टेन फ्लेम जो है गाइस मार दी, तो अब हमें जो है पावरफुल दिखाने पड़ेगा। और ये भी गया, तो गाइस यहाँ पे जरूरा भी गया, और अब जो है ईजिली जो है जैपडोस को ले सकते हैं। तो भाई 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 इसको भी, तो गाइस हमने पूरा इनको डोमिनेट कर दिया था, तो चांस था हमारे पास निकलने का। और अब हमारा सीधा फोकस होना चाहिए गोल की तरफ, क्योंकि अगर गोल नहीं डालेंगे तो भाई मैच हाथ से निकल जाएगा। और दो बंदों ने भी डाल दिया, दो तो मेरे ख्याल से चांस निकल जाएगा आराम से। ये देख रहे हो भाई, देख रहे हो मतलब, चलो तो 88 का गोल गाइस हमने भी डाल दिया यहाँ पे। और अब गाइस सिंपल सा काम, अगर आपके गोल डल जाए ना, तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको बेस सुरक्षित करना, क्योंकि अगर आपने जितने गोल नहीं डाले ना, तो आपने उससे के आधे भी गोल बचा लिए, तो आपकी टीम को जो है चांस मिल जाएगा कि आप जो है जीतेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे बस मैं आ चुका हूँ, और क्रिस्टल गाइस आ चुका है। और भाई कहाँ भाई, अरे 5 गोल तो भाई इसके पास पर उसने मेरे पहले कर दिया, तो अल्टी ले ले भाई, मैच तो वैसे ही खत्म हो गया। तो आई होप गाइस आप सबको ये गेम प्ले बढ़िया लगा होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।